नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। 3 दिन पहले 9 साल की मासूम बच्ची के सामने एक बेरहम पिता ने अपनी ही पत्नी की सरेराह चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पुलिस आरोपी सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई थी, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को 3 इमली बस स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के पालना कॉलोनी में 9 साल की बच्ची के साथ सब्जी खरीदने आई महिला की हुई बीच सड़क के चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पुलिस को घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुए थे। जानकारी मिली थी कि महिला के ही पति विनोद ने सरेराह चाकू से गोद कर हत्या कर दी, जिसकी तलाश में पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने 3 इमली बस स्टेशन के पास से आरोपी विनोद को अपनी गिरफ्त में लिया है। पूछताछ में विनोद ने बताया है कि 15 दिन पहले ही मृतक महिला वैजयंती उर्फ संगीता से शादी की थी, लेकिन पहले से ही मौजूद आरोपी के बच्चे और पत्नी मिलने के लिए वैजयंती ने मना कर दिया और आए दिन शक करती रहती थी, जिस पर आक्रोश में आकर इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस घटना से जुड़े अन्य और भी साक्ष्य जुटा रही है। अभी 3 दिन पहले आरोपी विक्रम उर्फ विनोद ने उसकी पत्नी विजयंती को चाकू मारकर हत्या की थी। उसी दिन से फरार था, तो इसके लिए हमने 3 टीमें लगा रखी थी। इसका लोकेशन आज हमें इधर देवास तरफ मिला था, तो वहाँ से इसको फॉलो किया। तो आज करीब 5 बजे 3 इमली बस स्टैंड पालना पर मुखबिर से सूचना मिली, तब हमने इसको राउंड अप करके वहाँ से गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में इससे पूछताछ की तो उसने बताया है कि ये विजयंती को इसने 15 दिन पहले अपनी पत्नी बनाया था और इसकी पूर्व पत्नी के पास ये विजयंती जाने से मना कर रही थी और बच्चों से मिलने नहीं दे रही थी। इस कारण से आक्रोशित होकर इसने उसकी हत्या की। सर, ये इतने दिनों से कहाँ फरार चल रहा था और कहाँ इसने बताया देवास तरफ ये गया था किसी काम धंधे की तलाश में इंडस्ट्रियल एरिया में, और वहाँ पर कोई काम नहीं मिला तो फिर वापस ये अपने घर आ रहा था। आज उसी दौरान ही पकड़ा गया। सर, ये चाकू लेकर आया था, इसका पहले से प्लान बना लिया था सही मर्डर करना है? ये करीब 1-2 दिन से परेशान था विजयंती से, तो ये चाकू तो हमेशा साथ रखता ही था, लेकिन उस दिन स्पेशली वो मानने के इरादे से निकला था कि अगर अब नहीं मानेगी तो उसको ख़त्म करना है, इरादा लेकर आया था। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।